फ्रोजन शोल्डर में आपको क्या कराना चाहिए? मैनुपुलेशन कराना चाहिए, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना चाहिए, या आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन के ऑपरेशन से कराना चाहिए, या सिर्फ फिजियोथेरेपी कराना चाहिए? क्वेश्चन है, ये बहुत ही अनआंसर्ड है। फिजियोथेरेपिस्ट कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करो और उसको ठीक कराओ, सर्जन्स कहेंगे कि आप आर्थ्रोस्कोपी कराओ, तो करें क्या? पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज्ड है ना, कि हम कुछ भी कराएं तो प्रॉब्लम हमको पता नहीं चल रहा है कि कैसे ठीक करें इसको। तो फ्रोजन शोल्डर जो हमने बताए हुए वीडियोस में कि ये बहुत ही लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कंधे का जो कैप्सूल होता है वो पूरा चिपक गया होता है जॉइंट्स के साथ में, और ये जो कैप्सूल है या तो हमें रिलीज़ करना पड़ता है या तो वो धीरे धीरे करके स्ट्रेच होगा, और वो जब स्ट्रेच होगा उसके बाद ही वो धीरे धीरे खुलेगा। तो कंधे का जो जाम होना होता है ये कैप्सूल के टाइट होने की वजह से होता है, तो इसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव मतलब चिपकना, कैप्सुलाइटिस मतलब कंधे का जो कैप्सूल है उसका इन्फ्लेमेशन होना। तो फ्रोजन शोल्डर हमारे साइंटिफिक टर्म्स में हम कहते हैं इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, इसमें जब आपका इनिशियली सबसे पहले आपका कुछ पेन आना शुरू हो गया है ना, कि बस एक महीना ही हुआ है अभी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्फ्लेमेशन या आग लगी हुई है जॉइंट के अंदर और अभी कैप्सूल चिपकना शुरू हुआ है, उस टाइम पे आपके जॉइंट के अंदर हम उसको स्टेरॉइड दे दे या उस आग को कम करने वाली चीज़ दे दे, जिससे ये इन्फ्लेमेशन की जो मात्रा है वो कम हो, तो उस टाइम पे वो लगाना बहुत अच्छी बात होती है। बट अगर आपका केस लंबा खिंचिया है कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और आपका कंधा पूरा ही टाइट है और हिल ही नहीं रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में दो ऑप्शन है हमारे पास, है ना। मैनुपुलेशन के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि मैनुपुलेशन में क्या होता है कि आपका हाथ ज़ोर से लोग खींचते हैं, आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में फ्लोट करते हैं कि आपको ज़ोर से खींच के निकाल के पूरा हाथ घुमा देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर कैप्सूल इतना टाइट है तो अगर आपने ज़ोर से खींच लिया तो हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, जो आपकी ह्यूमरस की बोन है वो टूट सकती है, और हमने काफ़ी जगह देखी भी है कि ये टूट जाती है ना, तो वो चीज़ बहुत ही ड्रास्टिक और ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन है जो हमें नहीं करना चाहिए। सो अननेसेसरी ओनली मैनिपुलेशन इज़ अ नो नो, ओके। दूसरी चीज़ होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज़ गुड, बट फिजियोथेरेपी इज़ अ लॉन्ग पेन स्टेकिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि आपको धीरे 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 अपने मसल्स को या कैप्सूल को लूज़ करना होता है, कि आज आपका इतना मूवमेंट है, फिर एक हफ्ते बाद इधर तक आया, फिर 15 दिन बाद इधर तक आया, तो वो आपके हर घंटे एक एक घंटे तक जब फिजियोथेरेपी आपकी होगी तो धीरे धीरे स्ट्रेच होके वो आपकी मेंटेन होगी, रात तक आप इधर रखेंगे सुबह वापस से जाम हो जाएगा। तो ये भी एक है कि फिजियोथेरेपी से भी आता है, बट वो 2-3 महीने तक आपको रेगुलरली उसको दर्द में सहन करते करते करना पड़ेगा। चौथी चीज़ आती है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी क्या होता है कि हम दो छोटे चीरे लगाते हैं आगे और पीछे, दूरबीन अंदर डालते हैं, जो आपकी कैप्सूल टाइट हो रखी है, जो एडहेसिव कंपोनेंट आपका अंदर बढ़ा हुआ है, उसको धीरे धीरे लेयर बाय लेयर हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के प्रोब्स आते हैं जो टिश्यूज़ को जलाते हैं। एक तो लाल अंदर जो ब्लड वेसल्स है जो बहुत ही खून से भरी हुई है, जिसमें बहुत ही आग लगी हुई है, उसको हम जला देते हैं, प्लस साथ साथ जो कैप्सूल है उसको एक लेयर बाय लेयर सारा क्लीन करते हैं, 360 डिग्री रिलीज़ करते हैं, आगे की तरफ भी हम रिलीज़ करेंगे, नीचे की तरफ भी रिलीज़ करेंगे, नीचे जो आपके जॉइंट के अंदर है उसको भी रिलीज़ करेंगे, पीछे जाके पीछे की कैप्सूल को भी रिलीज़ करेंगे। कोई भी पेपर है या कोई भी बुक है जिसको अगर हमको टेयर करना है तो हम ऐसे फाड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा फटेगा, और अगर हमने उसको कैंची से काटा तो हमको पता है कि किस पोजीशन में काटना है, कैसे काटना है। तो सेम चीज़ अगर आप मैनिपुलेशन करते हो तो हम इसको खींचेंगे तो जो भी टिश्यूज़ है वो कहीं से भी फट सकते हैं, कोई रोटेटर कफ टेयर भी हो सकता है, आपके टेंडन भी फट सकते हैं, हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता है, बट अगर हमने कैप्सूल को पूरा रिलीज़ कर दिया देख के, एक एक स्टेप देख के, अब उसके बाद में हमने प्यार से किया तो ये क्या है, ज़्यादा पेन नहीं लेता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता है, आराम से उठ जाता है। जब ये आराम से उठ गया तब हमने इसका मूवमेंट आपका पहले इधर था तो ऑपरेशन के बाद में यहाँ कर दिया, बट अब जो इधर तक मूवमेंट आया है उसको अगले दिन और 15 दिन जो है उसको आपको मेंटेन करके फिजियोथेरेपी करानी चाहिए।
अब ऐसे केसेस में क्या होगा, फिजियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का पहले जब नहीं आ रहा था, अब उसका आना शुरू होगा, तो वो आपके जो भी मूवमेंट्स है जब आप फिजियोथेरेपी उसके बाद कराओगे तो फिजियोथेरेपिस्ट को भी कराने में मज़ा आएगा कि हाँ अब तो आराम से आ रहा है, अब उसको मुझे मेंटेन ही करना है। तो ये करने के बाद में आपका जो शोल्डर है वो आपका मूवमेंट भी मेंटेन रहेगा और आपका पेन भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो आई होप आपको फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में पता चला है। आपको कंधे की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें संपर्क करें, हमारा एड्रेस जयपुर में है, डॉक्टर सचिन जैन। थैंक यू सो मच।